कब्रों से निकलकर मुर्दे क्या चुन रहे थे। एक दिन मैं कब्रस्तान में खड़ा होकर दुआ मांग रहा था कि अचानक मेरी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उनके नाक में रुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रों से मुर्दे बाहर निकल आए हैं। वो कब्रों के इर्द गिर्द से कोई चीज़ नीचे से उठा रहे थे और मैं डर गया। मैं बहुत हैरान था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए हैं। तो मेरी नज़र जब दूसरी तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में बूढ़ा शख्स कब्र के साथ बैठा हुआ है। मैं उस बुज़ुर्ग के करीब गया, जाकर उस बुज़ुर्ग को सलाम किया और उस बुज़ुर्ग से पूछा कि बाबा जी ये कौन लोग हैं, मुझे लगता है कि ये मुर्दे हैं और ये कब्रों से निकलकर क्या चीज़ नीचे से इकट्ठी कर रहे हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने मुझे जवाब दिया कि बेटा ये मरे हुए लोग हैं जो अपनी अपनी कब्रों से निकलकर सवाब इकट्ठा कर रहे हैं, वो सवाब जो इनके रिश्तेदार और दूसरे लोग इन्हें भेजते हैं। ये मुर्दे अपना अपना सवाब नीचे ज़मीन से इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने उस बुज़ुर्ग से कहा कि बाबा जी आपको सवाब की ज़रूरत नहीं है, आप उन लोगों के साथ मिलकर अपना सवाब इकट्ठा क्यों नहीं कर रहे। तो उस बुज़ुर्ग ने मुझे जवाब दिया कि बेटा मुझे उन लोगों की तरह सवाब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे कब्र के अंदर बैठे बैठाए सवाब मिल जाता है। तो मैंने उस बुज़ुर्ग से पूछा कि बाबा जी वो किस तरह आपको कब्र के अंदर बैठे बैठाए सवाब मिल जाता है। तो उस बुज़ुर्ग ने मुझे जवाब दिया कि बेटा मैंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया था, वो मिठाई का कारोबार करता है और साथ साथ मिठाई बेचता रहता है और साथ साथ कुरान पढ़ता रहता है और सारा दिन वो जितना भी कुरान करीम पढ़ता है उसका सवाब मुझे पहुंचा देता है। तो इस तरह मुझे कब्र के अंदर बैठे बैठाए सवाब मिल जाता है, मुझे इन लोगों की तरह सवाब इकट्ठा नहीं करना पड़ता। मैंने उस बुज़ुर्ग से पूछा कि आपके बेटे का नाम क्या है। तो उस बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद इमरान है और उसकी फलां जगह मिठाई की दुकान है। तो उसी वक्त मेरी आँख खुल गई, हकीकत में मैं ये ख्वाब देख रहा था। ख्वाब से बेदार होते ही मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि ये कैसा ख्वाब है, कौन मोहम्मद इमरान और कैसी मिठाई की दुकान। तो मैं फौरन उस बुज़ुर्ग की बताई हुई मिठाई वाली दुकान पर गया तो मैंने वहाँ पर एक शख्स देखा कि जिसने दाढ़ी रखी हुई थी और वो मिठाई भी बेच रहा था और साथ साथ उसके होंठ हिल रहे थे जैसे ये कोई चीज़ पड़ रहा है। तो मैंने उस दुकानदार से पूछा कि आप मिठाई बेचते बेचते क्या पढ़ रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो उस मिठाई वाले ने मुझे बताया कि मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, तो मैं मिठाई बेचता हूं और साथ साथ मैं कुरान करीम पढ़ता रहता हूं इसलिए कि मैं हाफ़िज़े कुरान हूं। तो इस तरह मेरा कुरान पाक भी पक्का रहता है और जो कुरान करीम मैं पढ़ता हूं तो मेरा बाप मरा हुआ है तो ये कुरान करीम और इसका सवाब मैं अपने मरे हुए बाप की रूह को रोज़ाना पहुँचाता रहता हूँ। तो आज मुझे पता चल गया कि वो वालदैन कितने खुश नसीब होते हैं कि जो अपने बच्चों को कुरान करीम हिफ़्ज करवाते हैं, फिर मरने के बाद भी उन्हें कब्रों में सकून रहता है। तो मैंने इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं भी अपने बेटे को कुरान करीम हिफ़्ज करवाऊँगा। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएं।
सवाब की नीयत से ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा।